ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। मेरी राम रतन छूटत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। मेरी राम रतन छूटत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। मेरी राम रतन छूटत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। मेरी राम रतन छूटत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। आनंद लेते हुए पुकार रही, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। प्रभु मीरा तुम्हें पुकार रही, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हरि मीरा तुम्हें पुकार रही, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। प्रभु तुम बिन जहर मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। ओ प्रभु तुम बिन जहर मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। प्रभु तुम बिन राम मिलत नाही, मेरी राम रतन छूटत नाही। साली सेवा करते हुए
पुकार रही प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु तो पति तुम्हें पुकार रही प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि तो पति तुम्हें पुकार रही प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु द्रौपदी तुम्हें पुकार रही प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु तुम इन लाज बचत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। प्रभु तुम इन लाज बचत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। आनंद लेते हुए गाइए पुकार रही प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु सीता तुम्हें पुकार रही प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु सीता तुम्हें पुकार रही प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु तुम बिन हरण बचत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। प्रभु तुम बिन हरण बचत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। लक्ष्मण तुम्हें पुकार रहे प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु लक्ष्मण तुम्हें पुकार रहे प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु लक्ष्मण तुम्हें पुकार रहे प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। प्रभु तुम बिन प्राण बचत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। प्रभु तुम बिन प्राण बचत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही। ढूंढे से राम मिलत
छूटत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत 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 नाही ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत नाही ढूंढे से राम मिलत नाही मेरी राम रतन छूटत तो देखो कितना सुंदर भाव है भगवान को आप सारे संसार में कहीं भी ढूंढने का प्रयास करो कहीं भी खोजने का प्रयास करो कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक तुम्हारे हृदय में भाव की प्रेम की जागृति नहीं होगी कस्तूरी मंडल बसे हिरन फिरे जग माहे कस्तूरी हिरन के अपने मंडल अपने पेट में ही बसती है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है एक ऐसा हिरन होता है जंगल में जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की सुगंधि इतनी आकर्षित करने वाली होती है कि वो बेचारा उस सुगंधि को लेकर के सारे संसार में ढूंढता हुआ फिरता है वो जहां जहां जाता है जैसे जैसे जाता है उसे चूंकि उसके अपने ही पेट में अपनी ही नाभि में कस्तूरी है तो सुगंधि तो उसे आएगी ही तो वो कहीं भी दौड़ता हुआ जाता है सुगंधि उसका पीछा नहीं छोड़ती सुगंधि आती है और हिरन सोचता है कि शायद और आगे है और आगे है और दाएं है और बाएं है लेकिन हिरन दौड़ते दौड़ते पसीना हो करके और पछाड़ खा के गिर जाता है और अटैक हो करके मर जाता है लेकिन फिर भी उसे कस्तूरी की प्राप्ति नहीं होती क्यों क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कस्तूरी मेरी नाभि में है और यहीं से सुगंधि आ रही है लेकिन भैया वो तो हिरन है अरे हम लोग कोई हिरन या हिरनी थोड़ी है हमें तो ज्ञान है कि परमात्मा गोविंद गोपाल बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी हमारे अपने हृदय में है हमें ज्ञान है तो हमें हिरन की तरह दौड़ने की भटकने की और पछाड़ खा करके गिर के मरने की आवश्यकता नहीं है हमें तो केवल कथा के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है जो हिरन को नहीं है यदि हमारे अंदर वो ज्ञान आ गया तो हम यहीं गुरुग्राम में बैठे बैठे भगवान का अनुभव कर सकते हैं कथा में भगवान को अपने जीवन में ला सकते हैं तो प्रेम से बोलो राधे राधे नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है श्री सूत जी महाराज
शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, भैया ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, और राजा परीक्षित को श्राप लगा तो राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ। तो राजा परीक्षित ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया, किया कि नहीं? क्या हमें नहीं पता है कि हम भी मरेंगे? भाई राजा को तो पता लग गया कि मैं मरूंगा, तो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजा परीक्षित कोई साधारण सम्राट नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। माने ये जो संपूर्ण धराधाम है ये सारा राजा परीक्षित के अंदर में ही कार्य करता है। तो सारी मही के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित हैं, उनके अंदर में लाखों